कोरोना काल के वक्त से भी और आज तक खेल के दिशा में कई गतिविधियां राज्य में बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। देश के लगभग सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां पर लोगों ने ट्रेनिंग ली, लंबे समय तक टूर्नामेंट का खेल का कार्यक्रम भी आयोजित होता रहा, कई ऐसी गतिविधियां हुई और धीरे धीरे आपने ये भी खबरें सुनी कि कई बच्चों ने इस राज्य का नहीं बल्कि देश का भी प्रतिनिधित्व किया है खेल के क्षेत्र में। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से कई पदक भी जीते और इस देश का नाम भी रोशन किया और इस राज्य का नाम भी रोशन किया। और इससे बड़ी बात है कि आज जो बच्चे इस खेल की दुनिया में अपना जौहर दिखा रहे हैं वो बहुत सीमित संसाधनों में, बहुत सीमित से भी कम संसाधनों में, कहा जाए कि नाम मात्र के संसाधनों से उन बच्चों ने आज अपना स्थान देश के सबसे पहले पायदान पर रखा। ये हम सब लोगों के लिए काफी गौरव की बात है। और मैं राज्य में हमारे नौजवानों के अंदर जो खेल के प्रति जो उनकी जागरूकता है, खेल के प्रति जो उनकी झुकाव है, उसको भी बहुत करीब से समझा और इसको लेकर मैं लगातार खेल के क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग प्रतियोगिता के माध्यम से इसको बढ़ावा देने का हमने प्रयास किया। लेकिन इस तरीके से प्रयास करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक नियमावली, एक पॉलिसी की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से बिना रुकावट हमारे खिलाड़ी अपने प्रैक्टिसेस और खेल की दिशा में आगे बढ़ने में उनको मदद पहुंचाई जा सके, मदद मिल सके। इसलिए यह जरूरी है कि एक पॉलिसी बने, उसी के तहत आज ये एक पॉलिसी हम लोगों ने लॉन्च किया जिसके संदर्भ में विभागीय सचिव ने बहुत बातों को कहा है, बहुत सारी चीजें जो नियमावली के अंदर है इसको आप विस्तृत रूप से आने वाला समय में देखेंगे और उसका लाभ लेंगे। आज कई बच्चे फिर से अपने हुनर को देश दुनिया के समक्ष रखने के लिए अलग अलग राज्यों में प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए हैं। आज कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, उनके जगह उनके माता पिता, उनके परिजन यहाँ आकर के उन पुरस्कारों को लिया है। आज झारखंड वैसे तो पिछड़े राज्य के श्रेणी में गिना जाता है, आज बच्चे के पास एक सीमित संसाधन है तो राज्य सरकार के साथ भी सीमित संसाधन है। हमारे पास भी चूंकि राज्य की जो गति रही है आगे बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं विगत 20 वर्षों में उसकी रफ्तार
बिल्कुल थमी सी थी, आज अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए अपने इस राज्य के हर वर्ग के लोगों को इस राज्य के विकास के अंग बनाने के लिए, विकास के पहियों में गति देने के लिए उनकी भी मदद ली जा रही है। और आज कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी अपने संसाधनों के आधार और अनुरूप यहाँ के हर वर्ग को कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से सहायता उपलब्ध कराने की लगातार प्रयास में है। इस राज्य का हर वर्ग, हर व्यक्ति, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, बच्चे, जो भी हैं, सभी सरकार के लिए बराबर हैं और सभी के बारे में चिंता करना सरकार की जिम्मेवारी भी है। आज हम लोगों ने खेल के दिशा में जिस तरीके से भी कदम बढ़ाया है और इस उम्मीद के साथ कि हम खेल के क्षेत्र में भी इस राज्य को अग्रणी राज्य बना सकते हैं, जिस तरीके से खनिज संपदाओं के लिए हम पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन उसका बड़ा जो लाभ और फायदा है वो विशुद्ध रूप से बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को जाता है। लेकिन हम इससे अलग हटकर जो हमारे इस राज्य के अंदर और भी आंतरिक क्षमताएं हैं, यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के जनमानस, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के बीच में जो प्रतिभा है, उसको भी हम लोग निखारना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, शहरी क्षेत्र से आने वाले हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में इस राज्य को अलग पहचान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर पॉलिसी में सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े संघ के लोग, उसके कोचेस, उनके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों के, कोचेस के, ट्रेनर्स के रहने, खाने, खेलने के संसाधनों से लेकर कंपटीशन में आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई चीज़ें इसमें प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं इस पॉलिसी को जो अगले 5 सालों तक प्रभावी होना है, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिसी ही जितनी हम लोगों ने, जितना चीज़ें अभी तक समझ में आई है उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास हुआ है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे का, हमारे खिलाड़ियों का जो यहाँ कहा जाए कि जिस तेजी से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें समय समय पर इस पॉलिसी पर भी हमें बराबर नज़र रखना होगा और हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप इसमें ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई संभव हो इसमें बदलाव करने का तो वो भी बदला जाने का काम किया जाएगा। आज मैं अभी
कुछ बच्चों को जो सम्मान राशि दी गई यहाँ पर, जिन्होंने अलग अलग मेडल्स जीते हैं, मैं थोड़ी सरसरी निगाहों से इन चीज़ों को देख रहा था और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें मुझे अपने नज़र में कमी दिखी है, जो सम्मान राशि वगैरह की जो समानताएं हैं, जो चीज़ें हैं जिस तरीके से बनाई गई हैं, उनमें मुझे लगता है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और मैं आज इस बात को विभाग को कहना चाहूँगा, उसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु आपने जो सम्मान राशि इसमें कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 7,000 इस तरीके से लिखे हैं, इस सम्मान राशि को न्यूनतम 50,000 रुपये तक करने का आप लोग काम करें और उसके ऊपर जो जिस तरीके से लोग बच्चे मेडल जीत के आएंगे उसके अनुरूप इसका आकलन करते हुए इसको पुनः इसकी समीक्षा करें। और मिनिमम कम से कम हम अपने बच्चों को 50,000 रुपये तक का सहायता राशि उपलब्ध करा पाएँ, ये मुझे अभी पहला ये मैं देखने को मिला है। और इसके अलावा जो संसाधनों की आवश्यकता होगी उस पर भी हम लोग आने वाला समय में ध्यान देंगे। और अभी आपको पता ही है कि कई स्टेडियम्स बन रहे हैं, कई खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ियों के लिए कई स्टोट्रफ युक्त स्टेडियम लगभग कई जगह तैयार भी हुआ पड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गति देने की आवश्यकता है। और अभी हम लोग कुछ चर्चाएं भी कर रहे थे कि खिलाड़ियों की उम्र का भी एक बहुत बड़ा इसमें प्रभाव दिखता है। एक दो मेडल जीतने के बाद, एक उम्र सीमा के बाद, वो फिर उसकी जो आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं वो बंद होने लगते हैं। उसका आने वाला भविष्य कैसे इसमें सुरक्षित रहे, उसके प्रति भी हम लोग थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम स्कूलों में भी आने वाला समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैसे हो इसको सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग पहले एक प्रयोग के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स शिक्षकों की भी बहाली करेंगे, और हो सकता है कि हमारे इन खिलाड़ियों को ही हम प्राथमिकता से उसमें मौका देने का प्रयास करेंगे। यह हमारे मनसा हमारी सोच में है, अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज इस पॉलिसी के उद्घाटन लॉन्चिंग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जोहार।